हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन हियर इज, स्प्रिंग गॉन हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर। द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू 12 सेंटीमीटर बाय द बॉल ऑफ मास 15 ग्राम। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इफ द ट्रिगर इज पुल्ड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास एक स्प्रिंग गॉन है जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया गया है और इसका वो स्प्रिंग कॉम्प्रेस किया गया है कुछ 12 सेंटीमीटर और मास ऑफ द बॉल पूछ दिया गया है। ओके, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालना है और वो कितना वेलोसिटी से बॉल जाएगा, बॉल निकलेगा, वो बोलना है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हमें एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये जो हमें मान लो ये स्प्रिंग, हमारे पास कुछ एक स्प्रिंग है। ओके, यहाँ बॉल कनेक्ट है। ओके, तो ये इसको हम कुछ एक्स डायरेक्शन में अंदर खींचे और उसको रिलैक्स कर दिया, तो मतलब ये बॉल भी कुछ वेलोसिटी से निकल जाएगा। तो ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे कि हम स्प्रिंग को कंप्रेस किए और वो किसने चेंज किया, वो काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया। तो लॉस इन स्प्रिंग एनर्जी ओके इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, यही दो फंडे हमें लगाना है। सो इधर देखे, इधर हमारे पास क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट को, यहाँ हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, मान लो ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि 80 न्यूटन न्यूटन पर सेंटीमीटर है। इसको अगर हम मीटर न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 8000 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो गया और हमारे कितना इसे कंप्रेस किया गया है, ये एक्स कितना दिया गया है, एक्स इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.12 मीटर। ओके, तो इसको अगर देखें तो हमारा हाफ इंटू कितना है, 8000 इंटू 0.12 का होल स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे, अगर इसको सॉल्व करें हमारा आ जाएगा 57.6 जूल। ओके, तो सेकंड में क्या पूछा है, हम इसको पुल कर दिए, उसके बाद स्प्रिंग को छोड़ दिए, स्प्रिंग छोड़ेगा मतलब लॉस इन स्प्रिंग एनर्जी हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, तो 57.6 ये हम लॉस हो गया स्प्रिंग एनर्जी में, अब जब हम छोड़ दिए, इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू एम कितना है, 15 अपॉन 1000 इंटू वी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से वी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 87.6 मीटर पर सेकेंड। सो आर आंसर इज 57.6 जूल एंड 87.6 मीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।